अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये पता चलूँ कि इसके अंदर हम हिस्ट्री के साथ साथ इसके जो कॉजेस, चैलेंजेस, इफेक्ट्स होंगे और व्हाट नेक्स्ट, इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, फिर इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी की जो क्राइसिस आए, इसकी जो हिस्ट्री थी, कैसे हमारे क्राइसिस स्टार्ट हुए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कॉजेस की बात करेंगे, चैलेंजेस की बात करेंगे। इसके अलावा जो चैलेंज के बाद हमारे जो इफेक्ट्स है इकोनॉमी के ऊपर, जो बुरे असरात है उनके ऊपर बात करेंगे। फर्दर फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम एक छोटा सा कंक्लूजन ऐसे कंक्लूड करेंगे। मूव करते हैं हमारे अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करें तो पहले तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान एक्चुअली में उसकी जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर रिलाय कर रही है। तो पाकिस्तान दरअसल एक सेमी इंडस्ट्रियल एरिया। सेमी इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पे जो डिपेंड करती है इकोनॉमी वो टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो हमारी फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। अगर एक सिनेरियो देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 65% जो हमारी इकोनॉमी है वो सिर्फ ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इसके जो ज़राअत के ऊपर जो इस वक्त हमारे असरात हो रहे हैं वो हम अपनी ज़राअत को उस वाले से कंट्रोल नहीं कर रहे, और एक सोसाइटीज और टाउन बनाते जा रहे हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो ये जो 65% है इसके बावजूद हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है गंदम भी, जो कि एक सवालिया निशान है इस हवाले से। इस हवाले से इन्फ्लेशन के रेट की बात अगर की जाए तो हमारे पास 7.9 इन्फ्लेशन रेट था कब तक, सिंस 1960। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज हम एक हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन एक तो होती है इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन का भी एक जो अपर लेवल होता है वो हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि चीजें बहुत बहुत ही तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं, बहुत तेजी से महंगाई स्टार्ट होती है। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतें हैं जो हैं वो बिल्कुल एकदम से इंक्रीज हो गई। इसके साथ जो डॉलर की प्राइस थी वो भी इंक्रीज होगी, और उससे क्या हुआ, उससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि बहुत तेजी से महंगाई होगी, और जो ये महंगाई है इसने डायरेक्ट इफेक्ट किया एक गरीब तबके को। जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात की जाए इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की जो जीडीपी है ये 6 पर थी जिस वक्त हमारी तकरीबन जो इमरान खान गवर्नमेंट गई है उस वक्त, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारी तकरीबन जीडीपी रही है वो 4.5% तक हमारी जीडीपी गई है ओवरऑल, अगर हम सिंस 1947 से आज 2022 की बात की जाए। तो इसकी रीजन क्या थी, इतनी हमारी कम जीडीपी क्यों रही, तो ये हमारा ट्रांजिशन पीरियड। इसके अलावा डिस्टेबलाइजेशन इन द कंट्री। ट्रांजिशन पीरियड का क्या मतलब होता है, पहले तो ट्रांजिशन पीरियड को समझें। लेट्स सपोज ये एक हमारी 1947 से लेके और 2020 तक, 2022 तक बल्कि, ये एक हमारी एक इकोनॉमी की लाइन है। तो लेट्स सपोज अगर हम एक गवर्नमेंट आई है उसने इकोनॉमी को लेके इम्प्रूव करना स्टार्ट किया है, तो जैसे इसको समझ आना स्टार्ट होगी इकोनॉमी के साथ ही इसका इस पे ऊपर एक क्रॉस लग जाएगा, और यहाँ पे हुकूमत इसकी डिक्लाइन कर जाएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी वो जब तक स्टार्ट करेगी तब तक इकॉनमी हमारी डाउन हो चुकी होगी। जब तक उसको समय लगेगी चीज़ों की और वो चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेगी, तब फिर एक नई गवर्नमेंट आके उसको भी स्टॉप करवा देगी, और इसी तरह फिर एक फिर मार्शल का दौर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान डिक्लाइन की तरफ चल जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे ट्रांजिशन पीरियड्स रहे हैं। ट्रांजिशन पीरियड्स या डिस्टेबलाइजेशन, यानी कि कोई भी एक तो हमारी हुकूमत अपनी मियाद पूरी ना कर सकी। तो ये सब चीज़ें हमारे इस वाले से इकोनॉमी की हिस्ट्री में हमेशा एक तल्ख के साथ लिखे जाएंगे। टोटल डेबिट जो पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान का टोटल डेबिट है वो 44.4 ट्रिलियन डॉलर है। इतना हमारे ऊपर कर्ज है जो कि हमने अदा करना है, 44.4 ट्रिलियन डॉलर्स। इट्स टू मच। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए तो हम स्टार्ट फॉर द फर्स्ट डे से अगर हम स्टार्ट लिया जाए इस वक्त इकोनॉमी को, तो जिस वक्त हमारा पाकिस्तान मुल्क मार्ज वजूद में आया था उसी वक्त हमारे लिए एक बहुत से इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे। ये इश्यूज क्या थे, सबसे बड़ा इश्यूज इसमें हमारे पास
कहें कि अनफेयर डिवीजन ऑफ एसिड्स। अनफेयर डिवीजन ऑफ एसिड्स में हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने कोट किया कि हमारे पास 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमें मिले थे, जबकि पूरे भारत के हमें 50% भी नहीं मिले, बहुत ही कम हमें एसिड्स मिले। इसके अलावा जो हमारी आर्मी थी उसको भी उस हवाले से जो इक्विपमेंट्स थे वो नहीं दिए गए। इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ भी नहीं था। इवन के हमारे पास अगर ऑफिस में यूज होने के लिए एक कॉमन पिन होती है, हमारे पास वो कॉमन पिन तक नहीं थी ऑफिस के यूज के लिए, ऑफिस की स्टेशनरी के लिए। उसके लिए भी कहा जाता है कि जो कांटे थे उनको इस्तेमाल किया जाता था, स्पेसिफिकली जो हमारे पेजेस हैं उनको एक स्टेपलर करने के लिए। इतना उस वक्त हमारे लिए कंडीशन खराब थी, क्योंकि हम बिल्कुल एक हमारा न्यू मुल्क था, बिल्कुल हम न्यू बॉर्न बेबी की तरह एक इस दुनिया में हम लोग सर्वाइव कर रहे थे। माइग्रेशन सबसे बड़ा हमारा उस वक्त का इशू था, क्योंकि बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया पाकिस्तान की तरफ को, बहुत से मुसलमानों ने, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त एक जो बाउंड्री कमीशन था, बाउंड्री कमीशन ने भी बहुत सा इलाका जो था जिसमें मुसलमान आबाद थे वो इंडिया के हवाले कर दिया। ये हम बाउंड्री कमीशन के अंदर ये चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। उससे क्या हुआ, उससे बहुत से मुसलमानों ने मूव करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मूव किया तो एकदम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो आ गई पाकिस्तान में, इन सबको भी तो कहीं ना कहीं हैंडल करना था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उस वक्त जो हमारी कोई इकोनॉमी जो कि अभी स्टार्ट हुई ही नहीं थी वो भी हमारी डिक्लाइन में गई। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान एक यानी कि अभी मुल्क ठीक से बना नहीं, और उसके ऊपर इतने कर्ज तो नहीं थे, बल्कि उस वक्त इतने चैलेंजेस का बोझ उसके ऊपर आ गया, तो वो मुल्क के लिए ये एक टफ सिचुएशन बन गई। अब जब ये टफ सिचुएशन थी तो उसमें डेफिनेटली हमें कुछ कंक्रीट स्टेप्स देने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कोई इकोनॉमी थी ही नहीं, हमारी कोई करेंसी थी ही नहीं, क्योंकि इंडिया के पास तो इंडिया का सेंट्रल बैंक था, लेकिन पाकिस्तान का जो तो स्टेट बैंक था वो भी जाके 48 में बना था, 1948 में, जब कायद अजम ने जुलाई 1948 में कराची में इसका इफ्तिताह किया था स्टेट बैंक का, तब हमारा स्टेट बैंक बना था। उससे पहले जब हमारी आजादी हुई तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। तो हमने क्या किया, हमने एक वहां पे एक प्लान डिफाइन किया कि हमने अपना 5 साल मंसूबा, उस वक्त 5 साल मंसूबा तब से हमारा स्टार्ट हुआ 1950 से, तो उसको हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते थे। एक आपको याद रखने की बात यह है कि हमारा इस वक्त जो प्लान चल रहा है ये 12th प्लान चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ 2022 के अंदर हमारा 12th प्लान है, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान। लेकिन उस वक्त भी अभी हम बात करते हैं तो तब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो कि हमारा 1950 में हमने इसको डिफाइन किया। और एक्चुअली में हम डिफाइन करते करते ये बात आ गई 1955 से 1960 में, तो हमने जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया एक्चुअली में वो 1955 से 1960 के दौरान स्टार्ट किया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये फेल हो गया। फेल होने की वजह क्या है, फेल होने की वजह इसमें ये थी कि एक तो ये स्टार्ट हुआ 1957 में, यानी कि 2 ईयर्स के गैप के बाद, यानी कि इसको 1955 में स्टार्ट होना चाहिए था, ये स्टार्ट ही 1957 में हुआ, और जो अपने ये टारगेट्स हैं उनको भी पूरी तरह अचीव नहीं कर सका, और क्यों नहीं अचीव कर सका अपने टारगेट्स को, इसके पास कंप्लीट डाटा नहीं था, और कंप्लीट डाटा इन द सेंस कि इनको तब पता ही नहीं था, इतनी इसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारे मुल्क के रिसोर्सेज क्या क्या है, माइग्रेट जो लोग करके आए हैं उनके जो मसले मसाइल हैं उनको कैसे डील करना है। इस हवाले से हमारे पास एक कंप्लीट डाटा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी और हमारी पॉलिटिक्स, ये दोनों एक्चुअली किसी मुल्क को चलाने के लिए इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का डायरेक्टली प्रमोशन होना चाहिए। अगर किसी एक ने भी अगर इन्वर्स दे दिया ना तो यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमारी जो इकोनॉमी थी और हमारी जो पॉलिटिक्स थी इन दोनों में उसी वक्त गुड़बुड़ स्टार्ट हो गई थी। इसलिए कायद अजम कहते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, खोटे सिक्के इन द सेंस के वो लीडरशिप को कहते थे कि मेरे बाद पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें लीडर मुझे कोई भी नजर नहीं आता, बल्कि सबके सब मुझे खोटे सिक्के नजर आते हैं। उसी के साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने अपना 5 ईयर प्लान तो 1950 में डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन हमारा तो एक्चुअली आइन ही 1956 में बना था, आफ्टर 9 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 9 साल तक हमारा कोई ला ही नहीं था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से एक 6 नकादी कायदा था, लेकिन वो उसको हम ला नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारा एक्चुअली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में डिफाइन हुआ। इसी के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो भी कुछ वाजिया नहीं थी उस वक्त, और
फॉरन पॉलिसी वाजिया नहीं थी और उस वजह से हमारी फौरी तौर पर फॉरन एड भी नहीं आ सकती थी। इस वजह से भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टार्ट नहीं हो सकी ठीक से। ठीक है, डिक्लाइन की तरफ तो उसने बाद में जाना था, अभी वो स्टार्ट ही ठीक से नहीं हो पाई थी। और इस तरह क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बुरी तरह नाकाम हो गया। और इसके बाद तो स्टार्ट हो गया 1958 से ऑनवर्ड मार्शाला। अब मार्शाला की हम बात करें तो 1960 की इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि 1958 में यू खान साहब आ गए थे, तो यू खान साहब के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि उस वो जो टाइम था ना उसको ग्रीन रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता था। वो क्योंकि जब अयूब खान साहब आए उन्होंने क्या किया, जो उस वक्त का सेकंड 5 ईयर प्लान था वो अब इंट्रोड्यूस कराया। वो 5 ईयर प्लान कब से था, 1960 से लेकर 1965 तक। और कहा जाए कि ये पाकिस्तान का अब तक के दौर में सबसे कंप्लीट या अपने लिए जो टारगेट इसने अचीव करने थे वो टारगेट अचीवेबल जो प्लान था ये वो वाला प्लान था, क्योंकि इसने अपना जो गुड इरा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी ये इसने गुजारा था इस 5 ईयर प्लान में। इसमें क्या क्या था, इसमें एक तो हमारे पास स्टेट कैपिटलिज्म का निजाम लेकर आए थे अयूब खान साहब। स्टेट कैपिटलिज्म क्या होता है, स्टेट कैपिटलिज्म ये होती है कि हमने अमीर को पैसे देने हैं, अमीर को हमने और रिच करना है। अमीर रिच होगा तो ये क्या करेगा, ये इंडस्ट्रीज लगाएगा, ये इंडस्ट्रीज लगाएगा। और इस इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इस इंडस्ट्रीज में पुअर लोग काम करेंगे, पुअर लोग काम करेंगे तो उससे पुअर लोग भी ऊपर जाएंगे, उनको भी पैसा मिलेगा। इसकी जगह अगर हम पुअर लोगों को पैसा देते हैं तो वो अपनी छोटी छोटी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये सारा पैसा खर्च कर देंगे, और इससे ना मुल्क का कुछ भला होना है ना अल्टीमेट गरीबों का कुछ भला होना है। ये दरअसल इनकी एक थ्योरी थी अयूब खान साहब की, जिसके ऊपर उन्होंने वर्क करते हुए क्या किया, उन्होंने अमीरों को पैसे दिए। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ 20 से 22 फैमिलीज ऐसी थी जिनको अयूब खान ने नवाजा था, और वही एक्चुअली 20 से 22 जो फैमिलीज हैं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही हैं। तो कहा जाए कि सरमायादाराना निजाम इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि सरमायादारों को पैसे दो तो अगर हम गरीब को पैसे देंगे तो वो छोटी छोटी अपनी जरूरियात पूरी करेगा, लेकिन जो अमीर होगा वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो इकोनॉमी में एक फाल किरदार अदा करेगा। उस वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक अनबिलीवेबल और एक जबरदस्त किस्म का एक हमारा प्लान बना इकोनॉमी का, और इकोनॉमी ने डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव भी किया। हत्ता कि हमारा जो कहने के मंगला डैम था या तरबेला डैम था, ये दोनों डैम हमारे अयूब खान साहब ही के इरा में स्टार्ट हुए थे। अब इसमें हमारी जो ग्रोथ थी जीडीपी की, एक फास्ट ग्रोथ रही, 6.8% एक अच्छी परसेंटेज है जो ग्रोथ है जीडीपी की, ये हमारी स्टार्ट हुई। हत्ता कि यहाँ तक के उस वक्त साउथ कोरिया के साथ हमारे डायलॉग्स हुए थे, और साउथ कोरिया ने हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करवाया अपने मुल्क में, और उससे क्या हुआ, आज कोरिया कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। लेकिन मैं आपके आपको बताना चाहूंगा कि हम कैसे इस एक पॉलिटिक्स इकोनॉमी और माशाल्लाह के दलदल में फंस गए। लेकिन यहाँ पे अगर कोरिया के मिसाल ली जाए तो कोरिया उस वक्त हमारा 5 ईयर प्लान को उसने अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करवाया, और वो एडिशनली उसने बहुत ज्यादा इससे इम्प्रूवमेंट की। इसी तरह एक चीज और चीज इसमें जो कोट करने वाली है वो ये है कि इसमें उस वक्त 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की वार भी हुई थी, और ये एक कहा जाता है कि जब वार होती है ना तो उसमें इकॉनमी बहुत ज्यादा डिक्लाइन करती है, लेकिन उसमें भी हमने सरवाइव किया क्योंकि उस वक्त का हमारा जो 5 ईयर का प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करा था ड्यू टू थ्योरी ऑफ जनरल अयूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमारे दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दूसरा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बिल्ड हुई, तकरीबन अगर हम एस्टिमेट लगाया जाए तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में इस वक्त ग्रो कर रही हैं वो सब की सब इंडस्ट्रीज अयूब खान साहब ही के दौर में लगाई गई थी। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं तकरीबन इसमें डिफरेंट हर तकरीबन फील्ड की इंडस्ट्रीज थी। सिमिलरली जो हमारे पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है या जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, वो भी इन्हीं के दौर में स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे पास मास स्केल की इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज ने काम करना स्टार्ट किया। और ये हमारी इकोनॉमी में इन सब चीजों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि अमीरों ने इंडस्ट्रीज लगाई, अमीरों ने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वर्क स्टार्ट किया और गरीब वो उस पर काम करते थे।
ऑल्दो के इसमें कैपिटलिज्म में कुछ सोशल वेलफेयर के इश्यू थे, लेकिन उस वक्त के टाइम बींग के हिसाब से ये एक बेहतरीन प्लान था और इसने बहुत अच्छा उस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ में काम किया था। हत्ता कि अगर आप उस वक्त के अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया था और आज जर्मनी कहाँ पे है, लेट्स सी। इसके बाद हम जब अयूब खान साहब जाते हैं तो उसके बाद 1970s का एक इरा स्टार्ट होता है। 1970s के इरा में दो लोगों का नाम सरे फहरिस्त है, एक मिस्टर भुट्टो का और दूसरा मिस्टर जिया का। तो मिस्टर भुट्टो का जो इरा था वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक टफ सिचुएशन थी। वो इसलिए, एक तो पाकिस्तान जो था वो दो लख्त हो चुका था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे। इसके अलावा जब हमारे पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए उस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको एक तो इस तरह से रिवर्स लग गया। वो इसलिए क्योंकि हमारी 70% जो इकोनॉमी डिपेंड करती थी वो बांग्लादेश में, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी पटसन के ऊपर हम लोग डिपेंड करते थे। वहां की जो पटसन थी, उस जो पटसन थी उसकी वजह से जो हमें जेरे मुबादला आता था एक्सपोर्ट्स की वजह से, उससे पाकिस्तान मूव कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, 75% ऑफ द इकोनॉमी हमारी हो गई लॉस्ट। और सेकेंडली जो अब भुट्टो का उस वक्त एक नारा था स्पेसिफिकली, वो था रोटी कपड़ा और मकान। तो इस नारे को लेके उन्होंने क्या क्या कहा कि गरीब जो है पहले तो गरीब की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। तो कि इनकी अच्छी सोच थी, गरीब की बेसिक नीड्स को पूरा होना चाहिए, लेकिन कैसे पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो फार्मूला लेकर आए थे वो था सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट का फार्मूला इस तरह से था कि मिस्टर भुट्टो ने कहा था कि पहले तो सारे जितने भी अदारे हैं उनको गवर्नमेंट की तहवील में दे देना चाहिए। गवर्नमेंट की तहवील में जब सारे अदारे आ गए तो उसमें फिर सारे जो जितने भी लोग थे सरकारी मुलाजमीन थे, और सरकारी मुलाजमीन उस वक्त भी और आज भी एक कहने की उनकी एक पक्की नौकरी होती है, उनको कोई भी फायर नहीं कर सकता होता, ठीक है। तो उस पे फिर जब ये चीजें नेशनलाइज हो गई तो नेशनलाइज में इन चीजों ने वर्क करना कम कर दिया, बल्कि बिल्कुल ही ये इन चीजों का काम खत्म हो गया। अब नेशनलाइजेशन पॉलिसी में इन्होंने किस चीज की चीजों को नेशनलाइज कर दिया, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज थी वो नेशनलाइज होगी, जितने भी हमारे बैंक थे वो भी हुकूमती तहवील में चले गए, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी जो कि अयूब खान साहब ने इंडस्ट्रीज बनाई थी वो सब भी गवर्नमेंट की तहवील में चले गए। इससे क्या हुआ, जो इनके अंदर जो वर्क चल रहा था जो कि एक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था वो उतनी ही तेजी से वापस रिवर्स उसको लग गया। यानी कि हमारी जो कैपिटलिज्म, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सोशलिज्म, तो ये पहले हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे, देन हम अब सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और जब सोशलिज्म की तरफ जाना शुरू किए तो हम वापस डिक्लाइन की तरफ स्टार्ट हो गए। मेरी राइटिंग इस वक्त कुछ खराब आ रही है, लेकिन खैर 70% कैपिटलिस्ट फर्दर जो थे वो मूव करके बांग्लादेश की तरफ, जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान जब हमसे अलग अलग हुआ। बल्कि उस वक्त क्या हुआ, 70% जो हमारे जो खानदान थे, अमीर खानदान, जिनमें वो 20 से 22 खानदान शामिल थे, उनमें से 70% जो थे वो वापस कहाँ चले गए, बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश जाकर इन्होंने वहां पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना शुरू किया, और पाकिस्तान बाकी सिर्फ 30% इकोनॉमी के साथ गुजारा किया। उसने पुअर ग्रोथ रेट था हमारा, इंतहाई पुअर ग्रोथ रेट था, 4.8% हमारी जीडीपी थी। कह लीजिए कि 1970 में अगर हम थे तो हम वहां से बैक स्टेप चले गए 1950 में, यानी कि हम 20 साल उस वक्त हम अपने पीछे जा चुके थे तरक्की के हवाले से। कॉज ऑफ पुअर इकोनॉमी का जो रीजन था उस वक्त रीजन ये था कि एक तो बांग्लादेश, सेकेंडली हमने कैपिटलिज्म से वाज सोशलिज्म, हमने कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ मूव किया, इंडस्ट्रीज को खत्म करके। इंडस्ट्रीज को खत्म नहीं किया बल्कि उसको गवर्नमेंट तहवील में दे दिया। उसका मतलब ही ये दरअसल यही होता है कि ये बस अब ज्यादा वर्क नहीं करेंगे जब ये गवर्नमेंट तहवील में चीजें चल जाए। नेशनलिज्म की पॉलिसी को अपनाया गया। नेशनलिज्म की पॉलिसी क्या थी, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज थी, जो हमारे बैंक थे, इंडस्ट्रीज थे, गवर्नमेंट की तहवील में गए। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी मिस्टर भुट्टो ने। मिस्टर भुट्टो चाह रहे थे कि हम रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात रखें, हम सऊदीया से भी अच्छे ताल्लुकात रखें, हम यूएसए से भी अच्छे ताल्लुकात रखें। तो ये हमारी जो एक आजाद खारजा पॉलिसी है जिसपे आज भी बात की जाती है, आज भी इस पर डिबेट होती है, इसकी वो बात करते हैं। इससे क्या होता है, इससे दरअसल यूएसए नाराज होता है। यूएसए नाराज होता है जब हम रशिया से दोस्ती करते हैं। ये हमारी सारी आजाद खारजा पॉलिसी का एक निचोड़ है। वो मिस्टर भुट्टो लाना चाहते थे जिससे अमेरिका हमसे हमेशा की तरह नाराज हो जाता था। और सेकेंडली हम उस वक्त इंडिया ने किए थे एटॉमिक ब्लास्ट, तो उसकी वजह से हमारे लिए भी इकोनॉमी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चलना एक लाजमी हिस्सा था, जिसकी वजह से अमेरिका हमसे एंग्री हो गया
और उसके एंग्री होने की वजह से हमारी जो फॉरेन एड वगैरह आती थी वो भी रुक गई। सेंशंस का नाम इसको दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल हमारे लिए ये जो एक 1970 का इरा था मिस्टर भुट्टो का, ये इकोनॉमी के हवाले से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास 1977 में उनके जाने के बाद मिस्टर भुट्टो के तकरीबन मिस्टर जिया जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ये एक मार्शाला के जरिए आए थे। 1980s से ऑनवर्ड जो इरा था वो इनका था, तकरीबन 8 साल इनके थे, और फर्दर नेक्स्ट जो 2 ईयर्स का इरा था वो बेनजीर भुट्टो का था। इनका अगर इरा की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई ग्रोथ रेट था। हाई ग्रोथ रेट 6.5% जीडीपी का हमारा जो था वो मिस्टर जा के टाइम पर हुआ था। अब इस 6.5 की वजूहत क्या थी? इस 6.5 की वजूहत ये थी कि इतनी अच्छी इकोनॉमी क्यों होगी। इतनी अच्छी इकोनॉमी की वजूहत थी सबसे पहले तो माशाल्लाह। मैं इस वक्त माशाल्लाह के हक में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी देखा जाए माशाल्लाह की वजह से क्या था, इकोनॉमी हमारी स्टेबल थी। लेकिन वो क्या था, एक इकोनॉमिक बबल था। इकोनॉमिक बबल क्या होता है कि माशाल्लाह की जब भी गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, वो एक तो देर पा होती है, क्योंकि जब वो एक शख्स आता है सारी पावर उसी के पास होती है, कोई बंदा उसको हटा नहीं सकता होता, सारी पावर उसके पास होती है। वक्ती तौर पे वो इकोनॉमी को बहुत स्टेबल कर देता है अपने एक तवील दौर के अंदर, लेकिन जिस वक्त भी वो वहां से मूव करता है तो इकोनॉमी धर्म से नीचे आ जाती है। ये एक इसको हम इकोनॉमिक बबल का नाम देते हैं। कि जाहिर तौर पे तो हमें लगता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जाहिर तौर पे तो हमें लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, या जो डॉलर का रेट है वो एक स्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन जब वो जाती हैं तो वो 90 के एंगल से नीचे आती है चीजें। और वो तब गवर्नमेंट, यानी कि हमने अक्सर अब तक ये सुनते आए कि माशाल्लाह के असरात हम अभी तक भुगत रहे हैं, वो जो असरात होते हैं वो दरअसल इकोनॉमिक बबल ही होता है जो कि हमें फेस करना पड़ता है बाद में। सिमिलरली उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त हमें फॉरेन एड बहुत ज्यादा मिलती थी, क्योंकि एक अफगान सोवियत वॉर का आपने नाम सुना होगा। अफगान सोवियत वॉर उस वक्त स्टार्ट हुई थी 1980s में, ठीक है, जिसको यहाँ पे जिहाद का नाम दिया गया था। और फर्दर उसमें पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ उसमें ताउन किया, और अमेरिका जो है वो एक कह लीजिए कि वो एक सेल्फिश फ्रेंड है हमारा, एक या हमारा क्या पूरी दुनिया का वो एक सेल्फिश फ्रेंड है। अमरीकी सबसे पहले अमरीका का मुफाद सोचते हैं, फिर वो किसी और का मुफाद देखते हैं, वो भी तब तक जब तक उनके अमरीका का अपना मुफाद उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ, अमेरिका दरअसल सोवियत रूस जो था उसको तोड़ना चाहता था, और पाकिस्तान की जो एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो एक जियोग्राफिकल जो एक सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि हम जो हैं एक बिल्कुल एक एज पे बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए जब भी अमेरिका को भी हमारी जरूरत पड़ती है, अफगानिस्तान को भी हमारी जरूरत पड़ती है, रशिया को भी हमारी जरूरत पड़ती है, इस तरह जो डिफरेंट इधर रीजन के कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा सलाम दुआ बनी रहती है। तो उस वक्त हम अमेरिका जो था उसके हम अलाय बन गए, अमेरिका साथ हमने दोस्ती कर ली, जिसपे कहा जाता है अगर हम पुरानी बुक्स को देखें तो कहा जाता है कि उस वक्त बोरियों में भर भर के डॉलर्स दिए गए थे पाकिस्तान को। जब बोरियों में भर भर के हमें वहां पे डॉलर्स मिलना स्टार्ट हुए तो उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी ज़रा ज़रा मुबादला आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी ने वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा ग्रोथ की, 6.5 जीडीपी हमें मिला। उसके बाद उस वक्त हमारी आर्मी ने भी बहुत ज्यादा इस हवाले से तरक्की की, क्योंकि अब इस वक्त हम देखें तो हमारी आर्मी जो है ये 6th मोस्ट पावरफुल आर्मी है। तो ये 6th मोस्ट पावरफुल आर्मी जो बनना स्टार्ट हुई वो जियाउल हक के दौर में, ज़ाहिर बहुत ज्यादा हमें फंडिंग मिली, उसमें आर्मी ने भी खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, जो कि एक अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू डिफेंस। बट अगर हम बाकी मुल्क की बात करें तो हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, जिसका हमें बाद में पता चला जियाउल हक साहब के माशाल्लाह के बाद। बाद में इसके साथ हम बात करें करें तो हमारे पास आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है, ये होता है वर्क एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज थे जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, इनके साथ जिया साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि जिया साहब दरअसल एक इस्लामी सोच रखने वाले भी साहब थे। इसने इनके जो ताल्लुकात थे वो सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे बने, यूएई के साथ भी बहुत अच्छे बने। उससे क्या हुआ, हमें एक आसान वीजा पॉलिसी मिल गई, किनको, पाकिस्तान के जो बेरोजगार उस वक्त नौजवान थे उनको, और उसकी वजह से बहुत से नौजवान बाहर गए, और उन्होंने जो हमें पैसे भेजे उससे भी मुल्क ने तरक्की करना स्टार्ट की, क्योंकि वो जो पैसे भेजते थे वो यकीनन डॉलर में होते थे, रियाल में होते थे, पाउंड में होते थे, डिफरेंट इस तरह करेंसीज में होते थे, उसकी वजह से ही पाकिस्तान ने तरक्की करना शुरू की।
एक और बात बताता चलूं कि आज इस वक्त जो हमारे जो बिरौने मुल्क दोस्त बैठे हैं वो हमें 31 बिलियन रेमिटेंस देते हैं एवरी ईयर, और इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारी इकोनॉमी को सहारा मिला हुआ है, हम लोग कुछ ना कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त बहुत ज्यादा थी, अगर हम कहा जाए तो 6.5% जीडीपी क्यों था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसमें ट्रांजिशन पीरियड नहीं था। इन्होंने बिना शिरकत गैर 11 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, 11 साल कुछ कम अरसा नहीं होता पाकिस्तान के ऊपर, दो गवर्नमेंट बल्कि दो गवर्नमेंट उसके बाद एक निगरान गवर्नमेंट भी अगर देख लिया जाए तो उनके बराबर इन्होंने अकेले जिया साहब ने हुकूमत की, और कोई इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कोई इनके साथ, क्योंकि इन्होंने जब फौज आती है फौज क्या करती है, फौज के पास होता है पावर, और फौज उस पावर की वजह से क्या करती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को घर में बिठा देती है। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, ना कोई धरने होते हैं, ना कोई एहतजाज होते हैं, तो फौज अपनी मर्जी के डिसीजन लेती है, जो कि वक्ती तौर पर डिसीजन तो बहुत अच्छे होते हैं उनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए, लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो पाकिस्तान को एट दी एंड ना चाहते हुए भी डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं। वक्ती तौर पर तो हम 6.5% जीडीपी रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात बात की जाए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सब जानते हैं जिया साहब का जो C-130 एक जहाज था पाकिस्तान एयरफोर्स का वो क्रैश कर गया, और जिसके नतीजे में अब गवर्नमेंट भी हमारी चेंज हुई। नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट आती है वो 1988 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आती है। अब बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो ये गवर्नमेंट थी ये तकरीबन सिर्फ 2 साल रही। अब यहाँ से जो हमारा एक इंतहाई बैड पीरियड स्टार्ट हुआ वो 1988 से 1999 तक, ठीक है, ये तकरीबन 10 से 12 साल के जो एरिया था इंतहाई पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल था। क्यों क्रिटिकल था ये, इसमें हमने बस क्या देखा, इसमें हमने ट्रांजिशन पीरियड देखा, एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट लिया, एक गवर्नमेंट स्टार्ट लिया साथ ही दूसरी गवर्नमेंट ने आके इस पे फुल स्टॉप लगा दिया, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट ने यहाँ से इकोनॉमी को लेकर स्टार्ट करना शुरू किया, फिर खत्म। इस तरह 2-2 साल के वक्फे से हमारी वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती रही, हत्ता के जो उस वक्त सदर होते थे, सदर क्या करते थे, सदर खुद से ही असेंबलियों को तहलील कर देते थे। इस वजह से भी हम इसी YouTube चैनल के ऊपर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। नेक्स्ट हम मूव करें तो 2 ईयर्स गवर्नमेंट थी जिसमें बेनजीर भुट्टो ने क्या किया, 24 फॉरेन ट्रिप्स किए थे फॉरेन एड के नाम पे। मतलब बेनजीर भुट्टो की डेफिनेटली हुकूमत में बहुत से अच्छे काम भी थे बुरे काम भी थे, हम इस वक्त सिर्फ इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, मैं किसी फर्द वाहिद के ना साथ हूँ ना खिलाफ हूँ, तो इस वक्त हम सिर्फ अपनी तारीख को देख के आगे आने के लिए समझ रहे हैं चीजों को। 24 फॉरेन ट्रिप्स किए थे और उसमें 24 फॉरेन ट्रिप्स जो थे वो सिर्फ फॉरेन एड के नाम पे किए गए थे, और ये भी एक सवाल निशान है हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास फिर 1990 से ऑनवर्ड की गवर्नमेंट स्टार्ट होती है जिसमें हमारे पास बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। अब इस ये जो इरादा था मैंने जैसा कि बताया एक बैड गवर्नेंस का इरादा था, बैड गवर्नेंस नॉट इन अ सेंस कि ये लीडर अच्छे नहीं थे या ये इनको हुकूमत करने नहीं आती थी, ऐसा नहीं था, डिफरेंट इसमें पहलू थे, डिफरेंट पहलू। सबसे पहले तो एक ये कि ट्रांजिशन पीरियड, एक हुकूमत आ नहीं रही तो दूसरी हुकूमत पहले से तैयार बैठी है कि मैंने किस तरह इसको निकालना है और खुद गवर्नमेंट करनी है। ये चीजें हमारे लिए हमारा जो ट्रांजिशन पीरियड था इसने हमारा सत्यानाश किया हमारी इकोनॉमी का। इसी तरह हमारे पास स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्यों 4.6% जीडीपी हमारा इसी वजह से रहा कि जो भी गवर्नमेंट आती थी वो हमेशा शॉर्ट टर्म फास्ते करती थी, वो चाहती थी कि इसका और कि इसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ मुझे मिले, मेरा वोट बैंक ना गिरे, जबकि दूसरी जो अपोजिशन होती थी वो चाहती थी कि हम किसी ना किसी तरह इनके वोट्स को तोड़ दें। और इसमें क्या हुआ, इसमें एट द एंड एक गरीब या एक जो मुल्क है उस अल्टीमेट मुल्क का नुकसान हुआ। सिमिलरली अगर हम ओवरऑल देखा जाए इस पूरे सिनेरियो में तो 1988 से लेके 1999 तक ये हमारा टफ पीरियड रहा, टफ पीरियड इसीलिए रहा ट्रांजिशन पीरियड की वजह से। नेक्स्ट हम अगर हम इसके कॉजेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस थी, एक पार्टी आती थी और दूसरी पार्टी उसकी लेग पुलिंग करना स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि आर्मी के जब मिलिट्री आती है मिलिट्री में ये होता है लेग पुलिंग नहीं होती और वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट नतीजा बाद में हमारे पास सामने आता है जो कि हमने भुगतना पड़ता है। सिमिलरली अब जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो ज्यादा देर चलती नहीं है, वो पहले ही डिक्लाइन कर जाती है। सिमिलरली करप्शन, अब करप्शन में मैं बिल्कुल इस चीज पे मैं नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब करप्ट थे या बेनजीर साहिबा करप्ट थी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन उनके दौर में चाहते ना चाहते हुए भी करप्शन हुई और उस करप्शन के नतीजे आज तक हम भुगत रहे हैं। करप्शन 1988 से 1999 तक डेफिनेटली करप्शन हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी,
एक पार्टी आती नहीं थी, दूसरी पार्टी कहती थी कि हमें इक्तदार चाहिए, इस तरह लेस फॉरन एड हमें मिली। क्योंकि क्या हुआ कि जो जिया साहब का दौर था, जिया साहब के दौर में अफगान वॉर जो चल रही थी वो फिर फर्दर 1990 में एंड होगी, और अमेरिका को जैसे ही अपना मफाद खत्म होता नजर आया इस इलाके से, तो उसने फौरी तौर पर हमारे लिए फंडिंग जो थी उसको भी रोक दिया। फंडिंग रोकने की वजह से, और हम सोचते हैं कि अब अमेरिका हमें फंडिंग करता है तो वो हमें सारी जिंदगी फंडिंग करता जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका हमारा एक सेल्फिश दोस्त है, और वो हमें सिर्फ तब तक सपोर्ट करता है जब तक उसका अपना मफाद होता है। तो जब अफगान वॉर एंड हुई, यहाँ से हमारी फॉरेन एड भी खत्म होगी, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को एक धचका लगा, पाकिस्तान वापस बैक स्टेप चला गया। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो हमारे पास एक लफ्ज सामने आता है, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इसमें भी एक आईएमएफ का किरदार था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आईएमएफ के पास कर्जा लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमें ये एक पॉलिसी तोहफे में दी कि आप प्राइवेटाइजेशन को या लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करें। तो उस वक्त हमने फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ या लिबरलाइजेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की एक फास्ट ग्रोथ स्टार्ट होगी, जो कि उस वक्त के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए या आज के अकॉर्डिंग में हमें अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन कर देना दारों को बहुत बेहतर था, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाना बहुत बेहतर था। क्योंकि उससे पहले तक जो अदारे थे वो क्या थे, वो नेशनलाइज थे। नेशनलाइज का मतलब क्या है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंडर थे, नेशनलाइज थे, जो कि मिस्टर भुट्टो ने किया था, और उसकी वजह से अब इसको वापस रिवर्स किया नवाज शरीफ साहब ने, और इन्होंने इसको प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तरफ रजू किया। अब प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन क्या है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे जो प्राइवेट अदारे हैं या जो प्राइवेट लोग हैं जो कि बड़े सरमायादार हैं, वो शेयर्स खरीद लेते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। लेट्स सपोज स्टील मिल्स, लेट्स सपोज पीटीसीएल, या लेट्स सपोज और या रेलवे। रेलवे तो खैर अब भी उसके इस पे डिबेट चलती है कि इसको हमने प्राइवेटाइज करना है, वो इसके शेयर्स खरीद लेते हैं। जब वो इसके शेयर्स खरीदते हैं तो वो इसके आधे मालिक बन जाते हैं। उनके आधे मालिक बनने के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी के कुछ फैसले करवाते हैं। जाहिर है एक प्राइवेट बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके शेयर डूबे, ठीक है, और ना ही उसको उसको साथ कोई उसको डुबोने के लिए या उसकी जगह पे गवर्नमेंट करने के लिए होगा। तो उससे क्या होगा, वो डेफिनेटली उसके ऊपर पूरा एक अपनी एफर्ट करेगा, अपने जो प्रोडक्ट है वो दी बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह मैं एक आपको ये भी बताता चलूँ, 1990 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से बेस्ट इकोनॉमी हमारी उस वक्त चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो 1990 में इंडिया ने क्या किया, एक गुड गवर्नेंस को लेकर आए, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा इंडिया भी बैंक दिवालिया होने वाला था, वहां पे वो गुड गवर्नेंस को लेकर आए। गुड गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी ने स्टेबल किया, और आज इकोनॉमी उनकी हमसे दी बेस्ट चल रही है अनफॉर्चुनेटली। फर्दर हमारे पास एक, जिस तरह मिस्टर भुट्टो ने उस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टार्ट किया था, तो मिस्टर नवाज शरीफ के दौर में अब हमने उन टेस्ट को कंडक्ट करना था, तो उसकी वजह से हमें सेंशंस का सामना करना पड़ा। 1998 में हमारा जो अमेरिका बहादुर दोस्त था वो हमसे नाराज हो गया कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, और इस पर उसने हमसे नाराजगी का इजहार किया और हम पे सेंशंस लग गई। सेंशंस लगने का मतलब ये है कि उसने हम पे बंदियां लगा दी कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, लेकिन हमने उस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट तो करने थे, हमारी उस वक्त एक दिफा का सवाल था। फॉर समरी अगर मैं बयान करूं तो ये एरिया रा जो था हमारे पास एक अच्छा एरा नहीं रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास हमारा ये ट्रांजिशन पीरियड था। अगर किसी भी एक गवर्नमेंट को तरीके से चलने दिया जाए तो यकीनन वो एक बेस्ट काम परफॉर्म देगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद 1999 के बाद हमारे पास जो एरा आता है वो जनरल मुशरफ का एरा आता है और आसिफ अली जरदारी का एरा आता है। तकरीबन 2000 से 2010 के दरमियान की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसमें क्या था, इसमें अगेन हमें जो दरअसल जो हमारी बैड गवर्नेंस थी उसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा एक लॉस में जा चुके थे, जो कि पिछली सदी के आखिरी जो हुकूमतें थी उसकी वजह से। तकरीबन हम 10 साल के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके चल रहे थे, 10 साल हमारा मुल्क एक दफा फिर से पीछे जा चुका था। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट के कॉन्सिक्वेंसिस थे उन्होंने हमें मुतासर किया। कैसे मुतासर किया, हमारे साथ जो अमेरिकन एड थी वो खत्म हो गई। अमेरिकन एड खत्म होने की वजह से हम दोबारा से जो फॉरेन एड की वजह से जो हमारा मुल्क ऊपर जा रहा था वो ऊपर जाना खत्म हो गया। इसके अलावा हमें फर्दर क्या करना पड़ा, हमें उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मुशरफ साहब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे उन्होंने कहा था कि ग्रास रूट लेवल के साथ बात की गई थी कि सब जो निचला तबका है, निचला तबका कौन है,
जो बिल्कुल गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, उनको ऊपर लेकर आना है। तो उसमें पाकिस्तान ने ग्रोथ स्टार्ट की और पाकिस्तान की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि 6.6% GDP हमारा मुशर्रफ साहब के दौर में रहा। और कहा जाता है कि पाकिस्तान तकरीबन एशियन टाइगर था उस वक्त, इतनी अच्छी पाकिस्तान की ग्रोथ चल रही थी। मतलब अब एशिया में डिफरेंट ममालिक से तकरीबन 52 कंट्रीज हैं एशिया में, और इनमें पाकिस्तान की ग्रोथ दी बेस्ट चल रही थी। अब इसके कॉजेस क्या थे? कॉजेस थे माशाल्लाह। माशाल्लाह का मतलब यह होता है कि हाँ हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह में एक फर्द वाहिद की गवर्नमेंट होती है, बिला शिरकत गैर हुकूमत करते हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबल चल रही होती है, क्योंकि उनको बीच में तंग करने वाला रोकने वाला कोई नहीं होता, वो फर्द वाहिद की पावर होती है और वो ही इससे डिसीजन लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह एक मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। इकोनॉमी वक्ती तौर पर तो अच्छी लगती है कि बहुत अच्छी चल रही है, पेट्रोल की कीमतें या फिर डिफरेंट जो प्राइसेस हैं वो बहुत स्टेबल हैं, अवाम खुशहाल हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली अवाम खुशहाल नहीं हो रही होती। अवाम या मुल्क जो होता है वो माशाल्लाह के दौर में अच्छा नहीं चल सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरेन एड हमें स्टार्ट होगी। अमेरिका हमारा जो हमारा सेल्फिश जिसको हम दोस्त अपना समझना चाहिए हमें, हमारा जो अमेरिका दोस्त है, अमेरिका में क्या हुआ, 9/11 का वाकया हुआ जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर या पेंटागन के ऊपर जो तैयारे टकराए थे, एक बहुत 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 बड़ा सानिया था। उसके वजह से अमेरिका ने दरअसल एंटर होना था कहाँ पर, अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में उसने दाखिल होना, तो अगेन हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उस वजह से उसको पाकिस्तान की मदद तो चाहिए थी। तो अमेरिका जो हमसे नाराज था कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किए, उसने वापस फिर क्या किया, उसने वापस हमसे दोस्ती कर ली सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मैंने मकसद लिखा है, खैर। अब 9/11 जब हुआ तो 9/11 के बाद अमेरिका ने हमें अगेन इस वजह से जो फॉरेन एड थी वो हमारे साथ स्टार्ट कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, हमने भी कुछ बेहतरीन रिफॉर्म्स दिए, क्योंकि जब हमारे पास फॉरेन एड आई तो उसकी वजह से हमने रिफॉर्म्स दिए। अगर आप इस वजह से तारीख को दोहराएं तो हमारे पास मुशर्रफ साहब के दौर में भी फॉरेन एड मिली हमें, जिया साहब के दौर में भी हमें फॉरेन एड मिली, अलबत्ता जो हमारे यूब खान साहब थे उनकी दौर में हमें फॉरेन एड से ज्यादा हमारे एक इफेक्टिव जो हमारा रोल था कैपिटलिज्म का, उसने हमें बचा के रखा था। फर्दर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को फर्दर मजीद इन्हांस किया गया। उसमें क्या हुआ कि फर्दर प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन दोनों को मैं इकट्ठे ही बात करता हूँ इनपे, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट जो होती है उसमें गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेट करती है, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शन देती है या गवर्नमेंट सिर्फ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन का होल्ड होता है वो ग्रोथ करता है। एक प्राइवेट बंदा या प्राइवेट एक पार्टी जो होती है वो बिजनेस को लेकर चलती है, वो बिजनेस को आगे ग्रो करती है, उसकी वजह से मुल्क इम्प्रूव करता है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे मेरा ये आइडिया है कि हमें सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के साथ हमें एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ भी जाना चाहिए। और इस्लाम भी वेलफेयर सोसाइटी को ही अच्छा समझता है। वेलफेयर सोसाइटी में क्या, प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि जिस बंदे की गवर्नमेंट है या जिसने शेयर खरीद लिए वो उस कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर का खून चूस जाएगा, लेकिन वो अपने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में क्या होगा, साथ जो गरीब है उसको भी खुशहाली मिलेगी, वो भी कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जा सकेगा। अदरवाइज वो अगर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात करें, लेट्स सपोज कि हमने एक अदारे को प्राइवेटाइज कर दिया, दैट्स फाइन, अदारे ने तो आपको अरबों रुपए का फायदा दे दिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने आपको फायदा दिया, लेकिन क्या उसमें काम करने वाले एक मजदूर को भी फायदा हुआ, या वो 5-7-10 हजार की दिहाड़ी पे ही काम कर रहा है? तो ये चीज की तरफ हमने जरूर सोचना चाहिए। इसका इसके ऊपर, वेलफेयर स्टेट के ऊपर आज भी हमें काम करने की जरूरत है। प्राइवेटाइज तो बहुत से इदारे हमारे हो चुके हैं अब तक, लेकिन वेलफेयर स्टेट कहाँ पे है ये हमें आज भी हमारे लिए एक सवालिया निशान है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बातचीत होती है वो हमारे पास 2010 से ऑनवर्ड इकोनॉमी की हम बात करेंगे। इसमें मैं आज के दिन तक इकोनॉमी को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो 2010 से ऑनवर्ड जिन लोगों ने हम पे हुकूमत की, वो तीनों अशखास में हमारे पास मिस्टर आसिफ अली जरदारी, मिस्टर नवाज शरीफ और मिस्टर इमरान खान शामिल है। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन ट्रांजिशन पीरियड कैसे हुआ, अगर हम देखें तो हमारे पास तो गवर्नमेंट तो इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, इन दोनों की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किया, लेकिन हमें देखने में लग रहा है कि गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं इनके दौर में भी क्या हुआ, जो हमारे PM थे उनको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। अगेन
मियां नवाज शरीफ साहब का जब टाइम हुआ, इसमें भी पीएम साहब अपनी गवर्नमेंट को पूरा ना कर सके, उनको भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अगेन फिर अब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब को अगेन डिसमिस कर दिया। एक अदम एतमाद की तहरीक को बरूए कार जाते हुए, इसको अदम एतमाद पढ़ लीजिएगा प्लीज। और उससे क्या हुआ, क्या हुआ, ट्रांजिशन पीरियड, अगेन ट्रांजिशन पीरियड जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगेन ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो गया। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स दिए गए, उसकी वजह से क्या हुआ, करप्शन इंक्रीज होगी, करप्शन इंक्रीज हुई और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी हद दर्जे की ज्यादा होगी, 34% हम अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा हुई, करप्शन हमारे पास ज्यादा हुई। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं या इमरान खान साहब या जरदारी साहब, लेकिन ऑल दो इनके जो दौर थे निचले लेवल तक करप्शन गई, एक ग्रास रूट लेवल तक करप्शन चली गई, इतनी ज्यादा करप्शन स्टार्ट हो गई, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं रहा। टिल 2013 तक तो बहुत ज्यादा हमारे पास इश्यूज आए, ये हमारे जरदारी साहब के दौर तक की बात है। फर्दर 2010 से 2015 की अगर हम बात करें, इसमें भी हमारी स्लो ग्रोथ थी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का हमें सामना करना पड़ा नवाज शरीफ साहब के एरा में। ऑल दो के यहाँ पे हमारे बहुत से तरक्याती काम हमारे अगेंस्ट स्टार्ट हुए, और जो नवाज शरीफ साहब थे वो तकरीबन जब गए थे, जब इनकी गवर्नमेंट गई थी, तो हमारे पास एक अच्छा जीडीपी था। इसी तरह जब हम बात करें इमरान खान साहब के दौर की, तो इसमें भी हमारे पास जो जीडीपी था वो अगेन कितना था, तकरीबन 5.6% हमारे पास जीडीपी छोड़ के गए हैं, जब अभी जब अदम एतमाद की तहरीक इनके अगेंस्ट आई थी। तो ये हमारे अब तक की इकोनॉमी की हिस्ट्री थी। अब फर्दर हम नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है इसमें हम कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं, कि हमने हिस्ट्री तो देख ली, हिस्ट्री तो हमें पता चल गई, इकोनॉमिक की हिस्ट्री जो हम तक हुई, जो हमारे साथ सलूक होता रहा है अब तक, मिनहसुल कौम बल्कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जो सलूक करते रहे, हर फर्द वाहिद इस चीज का जिम्मेदार होता है, तो हमने क्या सलूक किया अपने मुल्क के साथ। फर्दर अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ अब तक की जो वजूहत थी, कुछ इसके सीधा सीधा पॉइंट्स बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, पाकिस्तान में करप्शन से ज्यादा जो नासूर है वो हमारी इंस्टेबिलिटी का कसूर है। हमारे तो यहाँ पे कानून के अंदर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने जो एक अच्छे फैसले किए हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट का काम है कि उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करे, ताकि अवाम का फायदा हो। यहाँ पे तो अगर किसी ने एक बस भी चलानी होती है, तो पिछली गवर्नमेंट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आगे कहती है कि इस बस की कोई जरूरत नहीं, फिर जब वो जाती है तो वो कहती है सड़क की कोई जरूरत नहीं, अजीब। खैर इसके अलावा जो करप्शन है, करप्शन रूलिंग एलीट में बहुत ज्यादा करप्शन हमारे यहाँ पाई जाती है। रूलिंग एलीट कौन सी, सिंस 1947 में जो हमारी रूलिंग एलीट थी, उन्हीं में से फिर जो 20-22 खानदानों को अमीर कर दिया किन्होंने, अयूब खान साहब ने, ये अब अपने स्टेटस को बचाने के लिए ये ऐसी पॉलिसीज अपनाते हैं, या ये ऐसी कह लीजिए कि ऐसे ये इकदाम उठाते हैं कि जिससे क्या होता है, करप्शन इंक्रीज होती है, ये सिर्फ अपने पैसे को बचाने के लिए गरीब को मार देते हैं। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग या पावर पॉलिटिक्स खेली जाती है कि जो अमीर है सिर्फ एक वो सिर्फ अपने पैसे को बचाने के लिए या अपनी एक स्टेटस को बचाने के लिए वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फ्रॉग नहीं देता, वो चाहता है कि बस मेरे वोट्स बने, इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है, जिसमें वो कोई एक आध सड़क बना के नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए भी अपने वोट टेक ऑन करता है। लैक ऑफ विजनरी लीडर की हमारे पास हमेशा से ही कमी रही आफ्टर कायदे आजम, हमारे पास कोई भी एक अच्छा लीडर हमें ना मिल सका, क्योंकि कायदे आजम भी कहते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, यानी कि मेरे बाद कोई भी शख्स इस काबिल नहीं है जो कि इस मुल्क को संभाल सके। 35 ईयर हमने माशाल्लाह का निजाम देखा, जिसमें क्या था, एक ग्रोथ बबल का नाम उसको दिया गया, यानी कि उसमें तरक्की तो हुई, डेफिनेटली तरक्की तो हुई, लेकिन वो तरक्की का जो रिवर्स गियर लगा ना, वो हमें कुछ ज्यादा ही पीछे धकेल के ले गया। सिमिलरली जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच हमारे डिफेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हमारी जो एक लोकेशन है, पाकिस्तान की एक लोकेशन ऐसी है कि इसमें हर मुल्क को हमसे वास्ता पड़ना है, जो भी यहाँ से खित्ते से जो भी बाय एयर जाए तो या बाय सी जाए, बाय लैंड जाए, उसकी कहीं ना कहीं हमसे सलाम दुआ होनी है। तो इसमें के लिए जरूरी है कि हम अपने डिफेंस को हमेशा स्ट्रांग रखें, तो हमने अपने डिफेंस को तो स्ट्रांग किया, हमारी जो इस वक्त फौज है 6th मोस्ट पावरफुल फौज है, लेकिन 6th मोस्ट पावरफुल होने फौज होने के साथ साथ हमारे गरीब के पास रोटी नहीं है,
हमारे गरीब जो एक इंतहाई बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज बन गए। जो हमारी फॉरेन एड थी और उसमें हमने रिलाय करना स्टार्ट किया फॉरेन एड के ऊपर। हम जब तक हमें फॉरेन एड मिलती रही हम बहुत खुश रहे, अमेरिका बहादुर के हम दोस्त बने रहे। लेकिन एट द एंड हमारी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ये रही जो फॉरेन एड हमें अमेरिका की तरफ से मिलती थी। इसी तरह फर्दर करप्शन, करप्शन की बात की जाए तो हमारे पास लैक ऑफ फंड्स फॉर प्रोजेक्ट्स, हमारे जो फंड्स थे जो प्रोजेक्ट्स थे कोई भी कंप्लीट नहीं होता था ड्यू टू करप्शन। जो जिन लोगों को भी हम फंड्स हैंड ओवर करते हैं, जिन लोगों के भी हैंड ओवर हम प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक लो कॉस्ट मटेरियल के साथ काम करते हैं और उसकी वजह से लो कॉस्ट मटेरियल के साथ हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो तकमील नहीं होते, बल्कि वो डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं, बल्कि उल्टा वो नुकसान का सबब बन जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन और स्किल की बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास। हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास एक रट्टा सिस्टम जरूर है लेकिन हमारे पास न स्किल है न एजुकेशन है। हमारे जो ब्रेन ड्रेन है, अब जो हमारे पास हमारी यूथ जो हमारा एक अच्छा दिमाग है, वो अच्छा दिमाग क्या होता है, उसको जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो फौरी तौर पे बाहर रिवर्स ले गियर लगाते हैं और वापस बाहर किसी भी और कंट्री में जाके, डेफिनेटली उनको जब यहाँ पे काम नहीं मिलता तो वो बाहर मूव कर जाते हैं। सिमिलरली इसके बाद हमारा रूल ऑफ लॉ, हमारी जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है किसी मुल्क में अगर इंसाफ नहीं ना होता तो वहां पे इकोनॉमी क्या कोई भी चीज वहां पे कायम नहीं रह सकती। और हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली माजत के साथ गरीब के लिए कुछ और कानून हैं, अमीर के लिए कुछ और कानून हैं। जब तक ये दोनों चीजें बराबर नहीं ना होंगी ये चीजें हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट करती रहेंगी। कैपिटलिज्म को हमने फ्रॉग दिया। फर्दर हमारे पास जो इस वक्त कैपिटलिज्म के बाद जो हमने एक नेशनलिज्म की तरफ चले गए, नेशनलिज्म की तरफ के बाद हम चले गए लिबरलाइजेशन की तरफ, फिर हम इसी तरह हम लिबरलाइजेशन के बाद हम अब वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। तो वेलफेयर स्टेट ये सब जो चीजें हैं ना, ये हमारे जो इकोनॉमी के लिए एक जो हमारे तजर्बे चलते रहे हैं इसने हमारे लिए काफी इश्यूज क्रिएट किए हैं। एट द एंड वार ऑन टेरर बहुत ज्यादा नुकसान किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान में इसने शहादतें दी, हमारे सिविलियंस ने इसमें शहादतें दी, हमारे तक हमारे एपीएस के बच्चों ने भी इसमें शहादतें दी हैं। अफगानिस्तान का जो इशू हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ अफगानिस्तान की लड़ाई नहीं थी, ना चाहते भी हम बड़े शौक से उस लड़ाई में कूदे और 40 साल हमने अपने मुल्क के बर्बाद किए, अपने मुल्क के जो जवान थे वो भी कुर्बान किए, फौज को कुर्बान कर दिया, सिविलियंस को कुर्बान कर दिया और किसी ने थैंक यू तक नहीं हमें बोला। ये हमारी इस वजह से एक तल्ख हकीकत है। नेक्स्ट हमारे पास मूव किया जाए तो हमारे पास जो इकोनॉमी के हमारे अब चैलेंजेस हैं इनके ऊपर हम आ जाते हैं। इकोनॉमी के हमारे जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास $10 बिलियन एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये $10 बिलियन से ही हमने गुजारा किया तो हमारे पास सिर्फ एक मंथ दूर हैं हम किससे, बैंक करप्सी से। जबकि इस वक्त अगर हम बात की जाए तो बांग्लादेश के पास $46 बिलियन के रिजर्व हैं फॉरेन रिजर्व, जो कि हमारे बाद यानी कि 71 में ये बना है लेकिन इसके फॉरेन रिजर्व हमसे ज्यादा है। इसकी भी एक खास वजह है क्योंकि इनका ट्रांजिशन पीरियड नहीं रहा, इन यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग टर्म फैसले किए, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट चली। इसी तरह अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स दिए, उन्होंने एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया जिस वजह से उनका नुकसान होगा। और हम भी श्रीलंका की साइड पर ही जा रहे हैं तो हमें अब भी चुकन्ना होना पड़ेगा। खैर, करंट अकाउंट डेफिशिएंट जो हमारा मोर इम्पोर्ट है और लेस एक्सपोर्ट है, इन दोनों को कम से कम स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल होंगी तो ही हमारा एक इस वजह से बेहतर होगा। और अगर हमारी इम्पोर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूँ, अगर ये हमारी इस तरह से कम होगी तो डेफिनेटली हमारे लिए एक साइन ऑफ अलार्मिंग स्टेशन है। अगर हमारे पास ये बेहतर होती है, अगर हम अपनी इम्पोर्ट को कम करें और हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं तो इसके से जो हमारे पास इसका नाम दिया जाता है तो इसको हम सरप्लस का नाम देते हैं, सरप्लस SURPLES ये इसके स्पेलिंग है। सरप्लस की वजह से ये होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरक्की करती है, पाकिस्तान बिल्कुल इस तरह से अबव द लाइन मूव करता है। तो इसके लिए हमारे पास कोशिश ये करें कि हमारी जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट को हम
ज्यादा से ज्यादा करें और इंपोर्ट को हम कम से कम करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मतलब है कि हमारी जो सी पैक है या हमारे जो इकोनॉमिक जोन है उसमें क्या हुआ कि जो अमेरिका, जो चाइना हमारे साथ उसने ताउन किया, हमारा जो एक अच्छा दोस्त है, तकरीबन हम 50 साल के अंदर भी इतनी हम पाकिस्तान के अंदर सरमाया को नहीं ला सकते थे जितना जो चाइना है उसने हमारे साथ सी पैक में ताउन करके हमारे लिए ये चीजें, इन चीजों की राहें हमवार की। फर्दर बात की जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारे पास वो लोग जो स्किलफुल लोग हैं उनकी कमियां, हमें स्किलफुल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे मैं रट्टे की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम यानी कि ट्रांजिशन पीरियड, अगेन एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट तीसरी गवर्नमेंट, इस चीज से हमें निकलना है। और फर्दर अगर हम बात करें तो हमारी हाफ ऑफ द जो स्टेट है वो, हाफ ऑफ द जो कंट्री है वो टैक्स देती ही नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं, बाकी 98% टैक्स नहीं देते। और इनके 98% टैक्स ना देने की वजह से हम लोग खराब से खराब तक हमारी सिचुएशन होती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आती है, यानी कि हमें एक जो हम अब तक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है, कुछ हमारे वो जो हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उनको देख कर नहीं बनी, हमारी बैड गवर्नेंस रही है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन रही है। इसके अलावा हमारी कैपिटलिज्म के जो स्टेटस क्यू है उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं। उस वक्त के लिए तो वो 20-22 खानदान के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो अपना स्टेटस को कायम रखने के लिए हमारे स्टेटस को उन्होंने बिल्कुल खराब करके रख दिया। फर्दर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन या कह ले बल्कि अब हाइपर इन्फ्लेशन, जिस हवाले से महंगाई हो रही है, जिस हवाले से डॉलर इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारा मुल्क हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है। लेट्स सपोज इसकी अगर हम एक मिसाल ली जाए तो हमारे पास अगर एक किलो सेब अगर हम की बात करें तो 1 किलो सेब अगर हमारे पास 200 रुपए के हैं और नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि आज सेब 220 रुपए के हो गए, तो इसमें 20 रुपए कहाँ गए? 20 रुपए क्या हुआ? 20 रुपए हमारे पास डी वैल्यू हो गए, 20 रुपए की वैल्यू ही नहीं रही। फर्दर आईएमएफ के प्रोग्राम्स, आईएमएफ अब क्या, आईएमएफ एक इंटरनेशनल बैंक है और बैंक क्या करता है, बैंक हमें कभी भी खुशी से कर्जा नहीं देता, बैंक को हमसे कोई इस वजह से सरोकार नहीं होता, बैंक को कोई हमसे हमदर्दी नहीं होती कि वो हमें खाम खा में कर्जा दे। और वो क्या करता है, आईएमएफ जो हमें कर्जा देता है वो कर्जा तो हमें खुशी खुशी देगा, लेकिन कर्जे के साथ जो उसकी किस्त लगाएगा या वो कर्जे के साथ जो एक उसका एक कुछ परसेंट उसका इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जाता है। और साथ उसकी शर्त होती है कि मैंने जो ये रिटर्न लेना ये मैंने डॉलर के फॉर्म में लेना, वो डॉलर हमारा डॉलर भी इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली जो चीज हमने उससे अगर 1 रुपया अगर हमने उससे लिया तो हमने उसको 1 रुपये की जगह फिर 3-4 रुपये जब वापस करने होंगे तो वो डेफिनेटली हम एक अप लेवल पे जाने के बजाय डिक्लाइन की तरफ ही जाते हैं। ये आईएमएफ के प्रोग्राम वक्ती तौर पे तो अच्छे लगते हैं लेकिन ये अल्टीमेटली मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास साथ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हमारे इफेक्ट्स जो इकोनॉमिक क्राइसिस के होते हैं इसमें हमारे पास सोशल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। सोशल क्राइसिस में क्या है कि गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है, हमारी ट्रांजिशन पीरियड आता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती इकोनॉमी में। और जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, हमारी एग्रीकल्चरल बंद हो जाती हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नेक्स्ट हमारे पास मूव करना बंद हो जाता है, कोई तरक्याती काम नहीं होते। और इसके अलावा हमारी जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारी इकोनॉमी बेहतर काम नहीं करती। हाउ टू काउंटर इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे ज्यादा जो हमारी नजर में इस वक्त चीज है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करने के लिए वो है एक स्टेबल गवर्नमेंट। एक स्टेबल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? जमहूरी हुकूमत। ठीक है, जमहूरी हुकूमत वो जो अपना मुद्दत पूरी करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई अब तक एक भी पीएम साहब ऐसे नहीं है जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए हों, कोई भी हमारी अब तक हमारे ऐसे पीएम नहीं है। हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए जो कि ताकि वो एक 5 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग लेकर आए और जिसको और उस और जो 5 साल की वो प्लानिंग लेकर आए उसको वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करके दिखाएं। अगर उनके ऊपर कोई कोर्ट की तरफ से चार्जेस भी लग रहे हैं तो कम से कम उनको उनकी गवर्नमेंट पूरी की जानी चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस लगे, उनके बाद उनका एहतसाब हो।
फॉरेन पॉलिसी रूल्स हमारे हमें एक आजाद जो खाजा पॉलिसी है उसकी तरफ जाना चाहिए, जो कि अभी भी हम नहीं गए। आजाद खाजा पॉलिसी क्या है कि सबके साथ दोस्ती, रशिया के साथ भी दोस्ती, सऊदीया के साथ भी दोस्ती, और इसके अलावा यूएसए के साथ भी दोस्ती, चाइना के साथ तो है ही हमारी दोस्ती। तो ये हमारी दरअसल एक आजाद खाजा पॉलिसी का निचोड़ है। नेक्स्ट अगर हम इस वाले से मूव करें तो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे फ्यूचर गोल अब क्या होने चाहिए, हम कैसे इकोनॉमी, अब तक तो हमने इकोनॉमी का रोना रो लिया कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, लेकिन मुल्क तो हमारा है और इसने ता सुबह क्यामत इंशाल्लाह कायम रहना है। तो उसके लिए हमने, इसके लिए कुछ वी हैव टू टेक द कंक्रीट स्टेप्स दैट वी हैव टू टेकन एंड टेकन वेरी सून। तो उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास जो सी पैक है ये इस वक्त हमारे पास ब्लेसिंग है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस वक्त इस वजह से सीरियस हो तो सी पैक को हमें एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाहिए। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हमें वर्क करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब रट्टा हरगिज नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, रट्टे की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है लॉजिक, लॉजिक की तरफ हमने जाना है, कॉन्सेप्ट की तरफ हमने जाना है। जो मुसलमानों ने अब तक हुकूमत की है ना, उन्होंने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर भी हुकूमत की है। जो अब तक जितनी भी बड़ी इजादात हुई है ना, उसमें मुसलमानों का एक अहम किरदार था। नेक्स्ट हमारे मिनरल रिसोर्सेज, हमारा जो एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, वो है हमारा दोस्त, हमारा भाई बलूचिस्तान। और हमने अगर बलूचिस्तान में हमारे जो रिसोर्सेज हैं अगर हमने उनसे फायदा ना उठाया तो उससे भी हमारे नुकसान है। अब यहाँ पे भी एक नई डिबेट का आगाज हो जाता है कि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान की जी आबादी बहुत कम है, बलूचिस्तान की आबादी कम है इसलिए इनको बजट, हमने बजट में इनको कम हिस्सा देना है, इनको बजट में कम हिस्सा देना है, तो उस वजह से वहां पे उतने पैसे ही नहीं बचते कि जिससे हम ये मिनरल्स के लिए वर्क कर सके। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये आबादियाती निज़ाम से भी ऊपर आने की जरूरत है। वहां पे जो हमारे इतना, हमारा इतना पोटेंशियल बलोचिस्तान में मौजूद है उसको आगे लाने की जरूरत है। नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट, कोशिश करनी चाहिए कि टाउन और सोसाइटीज की ये भाग दौड़ से बाहर आ जाना चाहिए। और अगर हम कहें कि टाउन और सोसाइटीज जरूरी हैं लोगों के लिए, घर बनाने जरूरी है, तो यकीनन जरूरी है। हम अपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं, हम अपार्टमेंट्स बना कर वहां पे भी लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, अब मैं आपको सऊदीया की मिसाल भी दूंगा और मैं आपको इस वजह से यूएई की मिसाल भी दूंगा। यूएई सारे का सारा किसके ऊपर है, सहरा के ऊपर है। सऊदीया किसके ऊपर है, सहरा के ऊपर है। पाकिस्तान में इस वक्त तीन बड़े सहरा हैं, तीन बड़े सहरा के ऊपर अगर हम टाउन और जो हम यहाँ पे बहरिया टाउन सब कुछ बना रहे हैं ना, अगर हम यही इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पे यूज करें ना तो वो ज्यादा बेहतर है। एक तो वहां पे जो हमारे सहरा में रहने वाले लोग हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली जब वहां पे हमारे टाउन और प्लान वगैरह वहां पे बनेंगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ से लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे, वरना तो एक ही एक खास मकसद पे एग्रीकल्चर लैंड को यूज कर लिया जाता है। अगर हम इस वजह से मिसाल दें तो मुल्तान में पिछले साल जो बनने वाला टाउन था उसकी वजह से क्या हुआ, 60% हमारी जो आम की जो शरह थी वो 60% कम हुई है। तो ये हमारे लिए एक एक अजीब सिचुएशन है। फर्दर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो गवर्नमेंट है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करे, और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए उसके ऊपर ये लाजिम हो कि उसने पिछली गवर्नमेंट के जो बकाया काम रह गए उनका पूरा करना है, ना कि उनको नेक्स्ट गवर्नमेंट के इंतजार तक छोड़ देना है। जियो इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू मार्केट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। न्यू मार्केट हम इस वक्त अगर हम बात करें कौन सी है, हमारे पास अमेजोन न्यू मार्केट है, यूट्यूब न्यू मार्केट है, फ्रीलांसिंग न्यू मार्केट है। इन चीजों को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है जिसमें हर पाकिस्तानी कम से कम पाकिस्तान के लिए कोई $5 तो ला सकेगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। हर कोई तो पाकिस्तान से बाहर अब जाने से रहा, तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर ही हम इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर लें। कब तक हम गवर्नमेंट और इन चीजों की तरफ हम जाएंगे। फर्दर गुड गवर्नेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमें कम से कम अपना इंटरेस्ट रेट को तो डिक्रीज करना चाहिए, बल्कि इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए। जब हमें, हमारे इस्लाम ने ये बात कह दी कि इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है होना चाहिए, तो फिर हमें इंटरेस्ट की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी अब एक नई डिबेट है कि हम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए, और बैंक्स को इस वजह से टाइम भी दिया गया था, तो इतने टाइम के अंदर इनको एक अच्छा खासा टाइम दिया गया था कि अच्छे खासे टाइम के अंदर अंदर वो इस चीज को जो इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल खत्म करें। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो एक हमारे नामवर बैंक है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहां पे जाके उन्होंने अपील कर दी। खैर सब्सिडी को कम करना चाहिए। सब्सिडी को कम करने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज्यादा सहूलियत नहीं देनी चाहिए। सहूलियत इन अ सेंस के मतलब हमें
वक्ती तौर पे महंगाई करने की भी जरूरत है, ठीक है, वक्ती तौर पे हमें सब्सिडी को कट डाउन करने की जरूरत है। अब इसमें मैं इसमें श्रीलंका की जरूर आपको मिसाल दूंगा कि श्रीलंका में उन्होंने सिर्फ अपने वोट की खातिर अवाम को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी, अवाम को सब्सिडी देने की वजह से क्या हुआ, मुल्क दिवालिया हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी विद वेलफेयर स्टेट, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को जरूर अपनाना चाहिए, जो हमारे जो अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। इस वक्त वक्त की जरूरत है कि हमें ये एक स्टेप ले लेना चाहिए कि अपने जो अदारे हैं, जैसे लेट्स सपोज जो अदारे हमारे काम नहीं करे, आप सबको पता है कौन कौन से अदारे हमारे ठीक से वर्क नहीं करे, उन सब अदारों को हमने प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। और अब उनको सिर्फ प्राइवेटाइज नहीं करना, अब उसमें फर्दर वेलफेयर स्टेट को भी बनाने की जरूरत है। वेलफेयर स्टेट तो ये कि बाद में आज तो उनपे जो मुलाजम बैठे हैं वो सब सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजम है और उनकी पक्की नौकरी है, पक्की नौकरी के साथ साथ और उनकी उनका काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और फर्दर अब जब वो वेलफेयर स्टेट बनेगी तो उसमें जो मुलाजमीन आएंगे वो कौन आएंगे, वो आएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग आते हैं उनकी तनख्वाह जो होती है वो होती है जो हमारे जो प्राइवेट शेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो हमारे शेयर्स जिन्होंने खरीदे होंगे वो तरतीब देंगे इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम उनकी पे इतनी होनी चाहिए कि वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। और ये हमारा टोटल इस वजह से कंक्लूजन है पूरे मुल्क की इकोनॉमी को लेके। एट द एंड जो हमारा मुल्क होता है वो अपनी अवाम के सर के ऊपर ही चल रहा होता है, या गवर्नमेंट अवाम के सर के ऊपर ही चल रही होती है, तो हमें ये चीज चेक कर लेनी चाहिए कि अवाम ही इस मुल्क की एक्चुअली असल इकोनॉमी है और अवाम ने ही इकोनॉमी को लेके चलना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा, ये एक छोटा तो नहीं काफी लंबा हो गया वीडियो लेक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। और थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज को सुना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके ऊपर मैं और भी नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट प्ले लिस्ट में अंदर मैं ये सारी चीजें डिफाइन करूंगा, जो IMF है या जो हमारी GDP होती है, ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।